कोहली सिखाएंगे गंभीर को सबक, बिहारी बाबू को मिला पांड्या और विराट का साथ, दोनों ने कर लिया आपस में फोन पर बात, गौतम की कर दी फैंस ने हालत खराब। अपने लाडलों पर मेहरबानी पड़ी गौतम गंभीर को भारी, रोहित कोहली ने कर ली विराट तैयारी, सामने आया वनडे का सारा प्लान, श्रीलंका में अब आएगा तूफान। बीसीसीआई को भेजा विराट कोहली ने संदेश, छिड़ गया फिर से नया कलेश, ईशान ने भी कह दी अपने दिल की बात, हार्दिक पांड्या ने दिखाई एक झटके में गंभीर को औकात। कहते हैं घायल शेर की दहाड़ उससे भी ज्यादा भयानक होती है, और ये दहाड़ लगाने के लिए भारत के शेर ने ऐसी हुंकार भरी जिसने गंभीर के पसीने छुड़ा दिए। 120 घंटे पहले एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसे जानकर बिहारी बाबू को चाहने वाले गदगद हो जाएंगे। जो हंटर गंभीर ने बिहार के लाल ईशान किशन और हार्दिक पांड्या पर चलाया, उसका बदला लेने के लिए कोहली ने ऐसी कसम खाई जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। यहाँ तक कि बीसीसीआई को भी विराट कोहली ने गंभीर को लेकर सबसे बड़ा संदेश भी दे दिया जिसने जय शाह की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ है। वहीं रोहित ने तो खुलकर कोहली का साथ देने का वादा किया। जैसे T20 वर्ल्ड कप में रोहित कोहली की जोड़ी ने इतिहास लिखा, कुछ वैसा ही फिर से अब वनडे में होने वाला है जिसको लेकर पूरी तैयारी टीम इंडिया ने कर ली है, जिसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो कोहली ने गंभीर को लेकर कहा उसे जान लेते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के एक झटके में विराट कोहली ने हालत खस्ता कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो एंग्री यंग मैन प्लेयर्स गौतम गंभीर और विराट दोनों किसी से कम नहीं है, लेकिन कोहली हर मामले में गंभीर पर भारी पड़ते दिखाई दिए। कोहली का एटीट्यूड किसी से छिपा नहीं है। क्रिकेटर अमित मिश्रा भी इस बारे में खुलकर बोल चुके हैं कि कोहली ने जो देश के लिए किया वो आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया, जिसके चलते गंभीर को भी उनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। देखा जाए तो उम्र में कोहली सिर्फ 7 साल बड़े गौतम भैया से कई बार ग्राउंड पर विराट की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अब कहानी अलग है। ऐसे में दोनों दिग्गजों को अपना ईगो और स्टारडम अलग रखना ही होगा ताकि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक रह सके। इस दिशा में विराट कोहली ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है जिसने गंभीर की टेंशन बढ़ाई हुई है, क्योंकि एक तो बिहार के लाल ईशान किशन का करियर गौतम गंभीर खा गए, तो वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या के साथ नाइंसाफी कर खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोहली भी किसी से कम नहीं। कोहली अब दोनों युवा खिलाड़ियों का बदला लेकर रहेंगे, जिसकी झलक उनके बयानों में भी साफ झलकती है। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे से पहले ही कोहली ने बीसीसीआई को बता दिया कि गंभीर संग वो पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, क्योंकि यही टीम के लिए सबसे अच्छा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले मुद्दों से उनके पेशेवर संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस बारे में संबंधित बीसीसीआई अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। हालांकि अपने चहेतों पर मेहरबानी करने को लेकर गंभीर सवालों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ईशान किशन के चाहने वाले गंभीर के सिलेक्शन टीम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी खुलेआम गंभीर की बेइज्जती तक की है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको शॉक्ड लगे, लेकिन बात सौ आने सच है। खुद मोहम्मद कैफ ने एक इंटरव्यू में इस सवाल को उठाया और कहा कि हार्दिक ने आखिर क्या गलत किया था, आखिर क्यों उनके साथ नाइंसाफी की गई, क्यों अब युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें ईशान किशन, संजू सैमसन, धोनी के लाडले ऋतुराज गायकवाड़ का भी टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसको लेकर गंभीर लगातार घिरे हुए, जिसने जय शाह की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।